और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्वाति मालीवाल के आरोपों पर दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो गया है। स्वाति के आरोपों के बाद विभव कुमार ने भी FIR दर्ज कराई है। स्वाति पर धमकाने का आरोप लगाया है और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप भी विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर लगाया है। आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे BJP की साजिश होने का आरोप लगाया है और कहा कि स्वाति को चेहरा और मोहरा बनाया गया। स्वाति मालीवाल, जिन्होंने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि उनके साथ दिल्ली के CM हाउस में विभव कुमार ने मारपीट की, उनके साथ बदसलूकी की गई और इसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई विभव कुमार के खिलाफ, और अब आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है। विभव कुमार ने काउंटर FIR कराई है स्वाति मालीवाल के ऊपर और BJP पर निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी। तो तीन तस्वीरों के जरिए समझिए यह पूरा घमासान। कल एक वीडियो सामने आया जिसमें यह बताया गया कि स्वाति मालीवाल इसमें धमका रही है विभव कुमार को और उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने पुलिस में शिकायत दी थी, मारपीट करने का आरोप लगाया था और उनका मेडिकल भी कराया गया, उनकी काउंसलिंग हुई और आम आदमी पार्टी की ओर से अब इस पूरे मामले को BJP से जोड़ा जा रहा है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह पूरी साजिश BJP ने रची है। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। तो अब स्वाति मालीवाल पूरी तरह से बागी हो चुकी हैं और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से उनके ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल को जमानत से भड़की हुई BJP ने यह पूरी साजिश रची है। BJP ने इस पूरी साजिश में केजरीवाल को फंसाने की साजिश रची। स्वाति को केजरीवाल के घर भेजा गया। साजिश का चेहरा और मोहरा भले ही स्वाति है, लेकिन इसके पीछे BJP है या आम आदमी पार्टी का दावा है। CM पर आरोप लगाने का इरादा था। स्वाति ने मारपीट की शिकायत की, लेकिन वो तो ड्राइंग रूम में आराम से बैठी हुई नजर आई हैं। विभव कुमार को धमकी देती हुई सुनाई पड़ रही हैं। उनके सिर पर कोई चोट नजर नहीं आ रही है, जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल ने FIR में लगाए हैं। यह आपको यह भी बता दें कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल भी कराया गया। और बड़ा सवाल है कि आखिरकार कौन सच्चा है, कौन झूठा है। यह बड़ी बात है क्योंकि स्वाति की FIR वर्सेज अब विभव की FIR हो चुकी है। विभव ने थप्पड़ मारे, यह आरोप लगाया स्वाति मालीवाल ने। उधर विभव की ओर से कहा जा रहा है कि CM से मिलने की जिद की, 7 से 8 थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया स्वाति मालीवाल की ओर से, जबकि विभव की ओर से वर्जन दिया जा रहा है कि प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा गया। स्वाति ने कहा मेरी शर्ट खींची, गालियां दी, मारपीट की। उधर स्वाति पर आरोप विभव ने लगाया कि स्वाति ने गालियां दी। स्वाति का कहना है कि वे मदद के लिए चिल्लाई। विभव का कहना है कि आपत्तिजनक टिप्पणी की, मेरा सिर टेबल पर पटका, स्वाति की FIR में कहा गया है। विभव ने कहा कि झूठे केस की धमकी दी। स्वाति ने कहा उनके सीने और पेट पर विभव ने लात मारी। स्वाति किसी तरह छूट करके भागी, FIR में उन्होंने कहा है, जबकि विभव का कहना है कि जेल में डालने की बात स्वाति ने कही थी। तो यहां FIR वर्सेज FIR है और आम आदमी पार्टी के अंदर जबरदस्त अंतर्कलह दिख रही है और स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए थे अब इसे BJP की साजिश बता रही है आम आदमी पार्टी। वहीं स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद BJP आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ये महिलाओं के प्रति इनका नजरिया क्या है? ये स्वाति मालीवाल के केस में स्पष्ट हुआ है। ये अंदर का मामला है, एक दूसरे का मामला है, फिर भी महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस का, आपका, गठबंधन का नजरिया है वो देश के सामने। संजय सिंह ने परसों दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया कि स्वाति मालीवाल को मारपीट किया गया था। अभी आप RTC का बात मानेगा कि संजय सिंह का बात मानेगा? पहले अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल के बोलने दीजिए
कि आरटीसी मेरे लिए बात कर रहा है या संजय सिंह मेरे लिए बात कर रहा है। दोनों एक आदमी का दायां हाथ उल्टा बोलेगा, बायां हाथ पलटा बोलेगा, ऐसा पॉलिटिक्स केजरीवाल जी ने किया है, करते रहने दो। आप हमें बताइए, संजय सिंह सच बोला था कि आज आरटीसी ने सच बोला है। Z News.